आरसीबी और चेन्नई के बीच में आईपीएल 2024 का सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला 18 मई को खेला जाना है और इस मुकाबले के बाद में पता चलेगा कि दोनों में से कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंच पाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम का पड़ा भारी है और कौन सी टीम प्लेऑफ में जा सकती है। आईपीएल 2024 की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स को इस मैच में अपने बॉलर्स की कमी खलने वाली है और साथ ही आरसीबी के लिए विल जैक जो कि अपने देश वापस लौट चुके हैं तो आरसीबी को विल जैक की कमी खलने वाली है। आरसीबी 18 मई को बिना विल जैक के मैदान पे उतरने वाली है। आरसीबी और चेन्नई के बीच में अब तक हेड टू हेड मैचों के बारे में बात करें तो दोनों के बीच में अब तक 32 मुकाबले हुए हैं और इन 32 मुकाबलों में से 21 में चेन्नई सुपर किंग्स और 10 बार बेंगलोर ने जीत हासिल की है और एक मैच जो कि रिजल्ट नहीं आ सका। तो पिछले आईपीएल के इतिहास को उठा के देखते हैं तो इसमें चेन्नई सुपर किंग्स का पैड़ा भारी लगता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने जहां 21 मैच जीते हैं तो वहीं आरसीबी ने इससे भी आधे यानी कि 10 मैच ही जीत पाई है। लेकिन अब 18 मई का मुकाबला बहुत ही अहम होने वाला है और आरसीबी टीम भी इस मैच में अपनी जी जान से मेहनत करने वाली है। आरसीबी की टीम आईपीएल 2024 के पहले हाफ में लगातार मैच हारने की वजह से आईपीएल से बाहर होने के लिए लगभग तैयार हो चुकी थी, लेकिन आईपीएल 2024 के दूसरे हाफ में आरसीबी ने लगातार 5 मैच जीतकर अपनी वापसी बरकरार रखी है और अब आरसीबी ऐसी पोजीशन पे आके टिक चुकी है जहां से अगर आरसीबी 18 मई को यह मुकाबला जीतती है तो वह आसानी से प्लेऑफ में पहुंच सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें।